दिवाली पर बाजारों में भीड़ का सिलसिला जारी रहता है। बाजारों में भीड़ के चलते सीपरी बाजार में खरीदारी कर रही महिला का पर्स गायब हो गया, जिसकी शिकायत थाना प्रभारी को की। काफी खोजने के बाद जब पर्स मिला तो महिला ने नमाकों के साथ पुलिस वालों को धन्यवाद दिया। त्योहार आते ही बाजार में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए बाजारों की भीड़ में चोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र से, जहां दिवाली की शॉपिंग करने आई महिला का पर्स खरीदारी करते वक्त गुम हो गया था। जब पैसे निकालने के लिए महिला ने पर्स देखा तो वह गायब था, जिससे महिला के होश उड़ गए। पर्स चोरी होने की सूचना महिला ने सीपी बाजार की चमनगंज चौकी प्रभारी अंकित सिंह रावत को दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी तुरंत एक्शन लेते हुए महिला का पर्स खोजने निकल पड़े। काफी मेहनत के बाद महिला का पर्स मिल गया, जो चौकी प्रभारी ने आकर सुरक्षित महिला को लौटा दिया। पर्स मिलते ही महिला की आंखों में आंसू आ गए तथा महिला ने कहा कि अगर पर्स नहीं मिलता तो मेरे बच्चों का त्यौहार नहीं मन पाता। यह कहते हुए महिला ने चौकी प्रभारी व सभी पुलिस स्टाफ वालों का धन्यवाद दिया। बताया जा रहा है कि पर्स में 33,000 रुपए व जरूरी कागजात थे। कितना रुपया था उसमें? कितना रुपया उसमें? 33,000 रुपया। झांसी से मोहम्मद शेफ की रिपोर्ट। इस त्यौहार बांटी अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए माँ पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B pharma, M pharma, BSc, BTech, MTech and polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.